दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। दुनिया की टॉप स्मार्टफोन कंपनी और मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी एप्पल को आखिर एप्पल ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें 14 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा। मैं आपको बताऊंगा पूरी बात कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर एप्पल को, इतनी बड़ी कंपनी है अमेरिका की, उसे 14 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा। आप हंसेंगे शायद, आगे मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दुनिया की दिग्गज फ़ोन मेकर कंपनी एप्पल को अपने आईफोन 12 सीरीज़ के स्मार्टफोन के साथ चार्जर ना देना भारी पड़ गया। आपको याद होगा, अगर आपने, आप में से किसी ने एप्पल के आईफोन 12 लिया हो, तो आईफोन 12 का जो बॉक्स है वो कितना पतला हो गया है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस एप्पल के फ़ोन्स का बॉक्स था, क्योंकि इसमें से एप्पल ने चार्जर को हटा दिया है। अगर आपके पास पुराने आपका आईफोन का चार्जर है, आप उसे यूज़ कीजिए, या फिर आप नया आईफोन का चार्जर मंगा लीजिए, या तो ऑनलाइन या एप्पल स्टोर कहीं से भी ले लीजिए, ऐसा एप्पल ने कहा। आगे सुनिए, 9to5 गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी प्रोकोन एसपी ने एप्पल पर इसके लिए $2 मिलियन यानी जो इंडियन रुपीस में करीब 14 करोड़ रुपए होते हैं, इतने का जुर्माना लगाया है। ब्राज़ीलियन एजेंसी ने भ्रामक विज्ञापन, बिना चार्जर के डिवाइस बेचना और अनुचित नियमों को जुर्माने की वजह बताया है। प्रोकॉन एसपी ने यह भी बताया कि एप्पल के इस कदम से पर्यावरण का कोई लाभ नहीं होता दिख रहा। एप्पल ने, आपको याद होगा, चार्जर हटाने के पीछे ये तर्क दिया था कि इससे हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। हम कंज्यूमर्स के आईफोन में से चार्जर को हटाकर पर्यावरण की तरफ एक अच्छा कदम उठाना चाहते हैं, ऐसा एप्पल ने कहा था। मगर ब्राज़ील की इस एजेंसी ने साफ इस बात से नकार दिया है कि आईफोन के बॉक्स में से एप्पल ने चार्जर को हटाकर ऐसा कोई कंज्यूमर एनवायरनमेंट के खिलाफ, पर्यावरण के साथ कोई बहुत अच्छा काम होता हुआ दिख नहीं रहा है हमें, साफ कर दिया है ब्राज़ीलियन एजेंसी ने। और इसके बाद उन्होंने एप्पल के ऊपर $2 मिलियन यानी 14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। आगे सुनिए कि एजेंसी ने पूछा, क्यों नहीं घटाई कीमत? अगर आपने चार्जर आईफोन में से निकाल दिया, आईफोन 12 के बॉक्स में से चार्जर आपने नहीं दिया उसमें, उसके साथ, तो आखिर आपने आईफोन की कीमत क्यों नहीं घटाई? सुनिए पूरी बात। अपने फैसले में एजेंसी ने एप्पल से ये भी पूछा कि क्या कंपनी ने चार्जर निकालने के बाद आईफोन 12 की कीमत घटाई। हालांकि एप्पल की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं मिला। कंपनी ने ऐसे सवालों को जवाब भी नहीं दिए, जैसे कि चार्जर के साथ और उसके बिना हैंडसेट की कीमत क्या थी, और क्या कंपनी ने चार्जर का प्रोडक्शन कम कर दिया है। ये भी सवाल ब्राज़ीलियन उस एजेंसी ने, जो कंज्यूमर एजेंसी है, उसने एप्पल से पूछे कि पहला भाई, अगर आपने चार्जर आईफोन में से निकाल दिया है, आप चार्जर नहीं दे रहे हैं, तो आखिर आपने कीमत क्यों नहीं घटाई? दूसरा कि चार्जर के साथ और उसके बिना हैंडसेट की आपकी कीमत क्या है, आप हमें सिर्फ ये बताइए। यानी सिर्फ आईफोन जो है, जो स्मार्टफोन है, उसकी कीमत क्या है जब आप उसमें से चार्जर और हेडसेट को निकाल देते हैं तो। और उसके बाद आखिरी सवाल कि कंपनी ने चार्जर का प्रोडक्शन क्या कम कर दिया है। इस पर iOS अपडेट को लेकर भी एप्पल को लताड़ा गया है। ब्राज़ील में चार्जर ना देने के ऊपर तो 14 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा एप्पल को, मगर साथ में जो सॉफ्टवेयर है जिस पर आईफोन काम करते हैं, iOS जिसे कहा जाता है, उसकी अपडेट को लेकर भी वहाँ के लोगों ने, वहाँ की कंज्यूमर जो एजेंसी है, उसने एप्पल को लताड़ा है। कैसे? बॉक्स के साथ चार्जर ना मिलने के अलावा एजेंसी ने कंपनी को कुछ अन्य मुद्दों पर भी सवाल पूछे। iOS अपडेट के मामले पर एजेंसी ने पूछा, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ यूज़र्स को आईफोन अपडेट करने के बाद कई फंक्शन में दिक्कत आई है, जिसमें एप्पल ने कोई मदद नहीं की है। एप्पल को ये समझाने की ज़रूरत है कि ब्राज़ील में कड़े उपभोक्ता संरक्षण कानून और संस्थान हैं जिनका एप्पल को सम्मान करना होगा। iOS ब्राज़ील में अपने आईफोन को अपडेट किया, iOS को अपडेट किया, तो अपडेट करने के बाद वहाँ अच्छी खासी दिक्कत आई आईफोन को चलाने में, सॉफ्टवेयर में। और इसके बाद जब लोगों ने एप्पल से मदद के लिए उनको कांटेक्ट किया कैसे, किसी भी तरीके से, तो एप्पल ने उन यूज़र्स की कोई मदद नहीं की, जिसके बाद ब्राज़ील का गवर्नमेंट हो या ब्राज़ील एजेंसी हो, कंज्यूमर एजेंसी, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए एप्पल से। फिर लास्ट में चार्जर हटाने की एप्पल के पीछे की आखिर वजह क्या थी पूरी, वो सुनिए। बता दें, एप्पल ने पिछले साल अक्टूबर में आईफोन 12 सीरीज़ को लॉन्च किया था। कंपनी ने उस समय दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था जब बॉक्स के साथ चार्जर ना देने की बात कही थी।
हालांकि कंपनी ने इसके पीछे एक ज़रूरी वजह भी बताई थी। एप्पल का कहना था कि चार्जर ना देकर कंपनी ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा की समस्या को कम कर रही है, जिससे पर्यावरण को फ़ायदा होगा। एप्पल के बाद सैमसंग ने भी इस तरकीब को अपनाया है और ये एक बहुत अच्छा कदम है, जिसको ब्राज़ील में साफ मना कर दिया है कि आपके इस कदम से पर्यावरण की कोई मदद नहीं हो रही है। मगर एप्पल ने ये बात संक्षेप में बताई थी जब उन्होंने आईफोन 12 को लॉन्च किया और उनसे सवाल पूछे गए कि भाई आखिर अडेप्टर चार्जर क्यों नहीं दिया हमें हमारे आईफोन के साथ, हम 1.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीद रहे हैं तो चार्जर कहाँ है। तो एप्पल ने इसमें कहा कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं, जो चार्जर ना देने के पीछे का कारण है, जो ई वेस्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, इससे उसको कम करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि जब चार्जर नहीं दिए जाएंगे तो चार्जर लोग पुराने यूज़ करेंगे, नए नहीं यूज़ करेंगे और इससे ई वेस्ट कम पैदा होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।